हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका पाइथन मैटप्लॉट लाइब्रेरी के इस फ्री कोर्स में, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे। अभी मैंने आपको मैटप्लॉट लाइब्रेरी क्या है, क्यों मैटप्लॉट लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी कितने ऑप्शन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, सारी बातें अभी हमने थ्योरेटिकल क्लास में की है। ठीक है, दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक पाई प्लॉट और एक पाई लिब। ठीक है, दोनों तरीके से किस तरीके से हम प्लॉट डिजाइन करेंगे, ग्राफ चार्ट किस तरीके से डिजाइन करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा है। तो चलिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं और बनाते हैं अपना पहला चार्ट यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो दो तरीके से मैं आपको यहां पर इसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप वन पे मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। सिंपल है, जैसे अभी तक हम लोगों ने नंपाई को इंस्टॉल किया, हमने पांडास को इंस्टॉल किया है, सिमिलरली यहां पर हम लोग मैटप्लॉट लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें आना है, ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट पे रूट पे आके सिंपली वी हैव टू राइट अ कमांड विद इंटरनेट कनेक्शन, है ना, मतलब इंटरनेट कनेक्शन के साथ ही आप इस कमांड को रन करें, पीआईपी इंस्टॉल मैटप्लॉट लिब। ठीक है, एंड जस्ट प्रेस एंटर बटन, इट टेक्स हार्डली सम टाइम्स टू इंस्टॉल मैटप्लॉट लाइब्रेरी। सी दिस वन, दिस इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड मैटप्लॉट लाइब्रेरी। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बोला था, वी हैव मल्टीपल ऑप्शन, एनाकोंडा को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम पाइथन आईडीएली को यूज कर सकते हैं, और वी शुड गो फॉर दिस पाइथन पाइचाम को हम यूज कर सकते हैं, देर आर मल्टीपल, जुपिटर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दो तरीके से यहां पर अभी मैटप्लॉट लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं, वन यूजिंग पाइथन आईडीएली जो कि हमारा बेस आईडीएली होता है, ठीक, और दूसरा हम यूज करेंगे पाइचाम को, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी को यूज करेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप नोटपैड में भी इसको कोड लिख सकते हैं। ओके, तो जस्ट आई ओपन दिस पाइथन आईडीएली, यहां पर हमने एक फाइल ओपन की है, दिस इज अ न्यू फाइल, राइट। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि मैटप्लॉट लाइब्रेरी प्रॉपरली इंस्टॉल हुई या नहीं। तो हमने सिंपली इंपोर्ट किया मैटप्लॉट लिब डॉट पाइप्लॉट, ठीक है, तो एक बार इसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं, एज अ सपोज एमएलटी इसको ले लेते हैं, मैटप्लॉट लाइब्रेरी को एमएलटी ले लेते हैं, राइट। तो इतना एप्लीकेशन को जस्ट एक बार सेव करके रन करके आप देखें, तो यहां पर मैं इसको सेव करता हूं, सपोज मेरा फोल्डर है ई ड्राइव में, दिस इज आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर हियर माय मैट प्लॉट के नाम से, ठीक है, एंड जस्ट सेव टेस्ट मैटप्लॉट वन, ओके, एंड आई विल जस्ट रन दिस, ओके, देयर इज नो इश्यू, दैट मींस इंपोर्ट स्टेटमेंट से हमारी मैटप्लॉट लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई है। सिंपली मैंने आपको मैटप्लॉट लाइब्रेरी के अलग अलग फंक्शंस मैंने यहां पर आपको बताए थे, ठीक है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, किस तरीके से आपका ग्राफ डिजाइन होगा। तो यहां पर वी नीड टू लिस्ट, तो हमने पहली लिस्ट ली यहां पर सपोज विद द कोऑर्डिनेट जीरो, सपोज 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, एंड आर वाई एक्सेस इज सपोज वाई इक्वल टू, अभी पहले ही प्रोग्राम में हम ज्यादा आरएनडी नहीं कर रहे हैं, सिंपल पहले मैं आपको एक ग्राफ किस तरीके से डिजाइन करना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज अ फंक्शन मैट डॉट, विच फंक्शन आई एम गोइंग टू टेल यू, प्लॉट हम लोगों ने देखा था, एंड दिस रिक्वायर्ड x and y axis and simply I need to show this chart, ठीक है, कि अभी हम पहला जो देख रहे हैं line chart के बारे में हम लोगों ने बात की थी, अलग अलग chart के बारे में मैंने आपको बताया था, line chart, bar graph, ठीक है, histogram, ऐसे अलग अलग हम लोगों ने concept discuss किए थे, but this is simple a line chart जो अभी हम लोग discuss कर रहे हैं using pie plot module, ठीक है, जो कि मैटप्लॉट लिब लाइब्रेरी में है। तो हमने x axis y axis के लिए coordinate लिए और simply हमने plot method को use किया, ठीक है, जो कि पाई प्लॉट की मेथड है, और हमने अपने ग्राफ को या चार्ट को जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं उसको हमने शो कर दिया, राइट, एंड आई विल जस्ट रन दिस, लेट्स सी, एंड हियर यू विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस, राइट। अब मैंने आपको इसके अलावा इसमें कुछ और भी फंक्शन बताए थे, लाइक हम लोगों ने बात की थी एक्स लेबल के बारे में, ठीक है, कि अगर आपको अपना एक्स एक्सिस को कोई लेबल देना है, सो विल गो फॉर एक्स लेबल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लेबल दे दिया, सपोज सिंपल अभी मैंने लिख दिया एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट मैट डॉट वाई लेबल, और यहां पर हमने इसको दे दिया वाई एक्सिस। वन बाय वन हम इसके बाकी के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार आपको सिंपल कैसे आपको एक
चार्ट डिजाइन करना है ये समझ में आ जाए, सो दैट वी विल गो फॉर फर्दर. आई विल जस्ट सेव दिस एंड रन दिस एप्लीकेशन. ओके जस्ट मोमेंट. सी दिस वन, हियर यू विल गेट दिस कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड हियर यू विल गेट दिस ऑप्शन वाई एक्सिस. सो दिस इज अ सिंपल अ लाइन. अब अगर आप इसमें ऑप्शन अगर चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर 0, 10, 20 की जगह यहां पर कुछ और ऑप्शन ले लिए, सपोज दिस इज 20, दिस इज 10, 20, 10, 40, 50, 30, 40. सो यू विल गेट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट हियर. सी दिस वन, इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट. सो दैट डिपेंड्स कि आप किस कोऑर्डिनेट को लेके अपना चार्ट डिजाइन कर रहे हैं, राइट. अभी इसमें मल्टीपल ऑप्शन अभी हम बात करने वाले हैं, हाउ टू चेंज दिस लाइन कलर और हाउ टू चेंज दिस कोऑर्डिनेट कलर. ओके, मार्कर क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे, लाइन क्या होती है ये भी हम बात करेंगे. दिस आर द मार्कर. ओके, तो ये जैसे 0 से 10, 10 to 10, दिस इज फर्स्ट मार्कर, दिस इज सेकेंड मार्कर. लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो चीजें इजीली समझ में आएंगी. तो आई होप आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो अभी मैंने आपको पाइथन आइडियली में बताया है. अब अगर सेम चार्ट अगर मुझे ड्रॉ करना है पाइचाम में, तो चलिए एक बार इसको पाइचाम में भी देख लेते हैं. ओके, ऑलरेडी हमने मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया है, सो वी डोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन पाइचाम. तो यहां पर हम क्या करते हैं, विल जस्ट क्रिएट वन डायरेक्टरी सो दैट आगे की जितने भी ऑप्शन हैं हम उसी डायरेक्टरी में रखने वाले हैं. यहां पर मैंने इसको नाम दे दिया माई मैटप्लॉट. अपनी एक डायरेक्टरी हमने क्रिएट कर ली और इन साइड दिस डायरेक्टरी आई विल क्रिएट माई फर्स्ट पाइथन फाइल. दिस इज टेस्ट लाइन, टेस्ट प्लॉट लाइन. ओके, एंड हियर आई अगेन इम्पोर्ट द सेम, इम्पोर्ट मैटप्लॉट. यहां पर आपको हेल्प विंडो का ऑप्शन आ जाएगा, एस सपोज मैट, ठीक है, एंड सिंपली मैट एक्स एक्सिस यहां भी हमने लिया, एक्स इक्वल टू सपोज 0, 1, 2, 3, 4, 5, एंड दिस इज वाई एक्सिस द सेम, इट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5. आई विल जस्ट ड्रॉ दिस यूजिंग प्लॉट मैथड. एडिटर का ये एडवांटेज होता है कि हमें मैथड जो है वो हेल्प विंडो के थ्रू, इंस्टांस विंडो के थ्रू इजिली मिल जाती हैं. तो हम लोगों ने मैटप्लॉट लाइब्रेरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया एंड देन विल गो फॉर मैट डॉट सपोज एक्स लेबल, ठीक है. एक्स लेबल में हमने यहां पर नाम दे दिया सपोज एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली मैट डॉट वाई लेबल, ठीक है, एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड सिंपली शो दिस यूजिंग शो मैथड. वील जस्ट शो दिस प्लॉट, जो भी प्लॉट हुआ है आपका चार्ट उसको हमने शो कर दिया. तो एक्स लेबल टू डिफाइन एक्स एक्सिस, वाई लेबल इज टू डिफाइन वाई एक्सिस, प्लॉट मैथड इज यूज टू डिजाइन योर प्लॉट एंड दिस आर योर एक्स कॉर्डिनेट एंड दिस वन इज योर वाई कॉर्डिनेट. ओके, हम जो अभी मैटप्लॉट लाइब्रेरी का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं वो पाइप्लॉट है. मैंने आपको दो मॉड्यूल बताए थे, पाइलिब और पाइप्लॉट, बट हियर राइट नाउ वी आर गोइंग विथ पाइप्लॉट, ठीक. एंड मैटप्लॉट लाइब्रेरी ऑलरेडी हमने पीआईपी के थ्रू इंस्टॉल कर ली है. तो लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं हम. सिंपली राइट क्लिक, रन टेस्ट प्लॉट लाइन, यू विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन. ओके, सो दिस इज अ सिंपल वे हाउ टू इंस्टॉल मैटप्लॉट लाइब्रेरी एंड हाउ टू डिजाइन योर फर्स्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी चार्ट, ठीक है. अभी इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हम देखने वाले हैं, लाइक विल टॉक अबाउट ग्रिड, विल टॉक अबाउट लाइन चेंज, मार्कर के बारे में हम बात करेंगे कि मार्कर क्या होते हैं, किस तरीके से मार्कर को हम लेके आएंगे, हाउ टू चेंज द लाइन कलर, कि अगर आपको लाइन का कलर चेंज करना है तो किस तरीके से हम चेंज करेंगे, यदि आपको लेबल का कलर चेंज करना है तो किस तरीके से हम चेंज करेंगे, सारी बातें करेंगे. लेकिन पहले आप एक बार मैटप्लॉट को इंस्टॉल कर लीजिए और ये कन्फर्म कर लीजिए कि आपके मैटप्लॉट लाइब्रेरी आपकी मशीन पर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो गई है विद दिस स्मॉल प्रोग्राम, ठीक है. चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैटप्लॉट लाइब्रेरी के ऐसे ही और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.